एक बारी खबर का रुख करेंगे इस वक्त की। त्वांग विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक आला स्तरीय बैठक बुलाई है, एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है रक्षा मंत्री ने। सीडीएस और सेना के तीनों रक्षा प्रमुखों के साथ ये मीटिंग आयोजित की गई। त्वांग में चीन और भारत के फौजियों के बीच झड़प हो गई थी और इसी त्वांग विवाद को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। सीडीएस के साथ रक्षा मंत्री की यह बैठक है, तीनों सेना प्रमुख भी इस बैठक में शामिल होने वाले। त्वांग विवाद को लेकर यह बेहद अहम बैठक बुलाई गई है रक्षा मंत्री की तरफ से। एक और बड़ा अपडेट दे दें आपको इसी खबर के हवाले से, त्वांग में हुई झड़प से जुड़ी ये बड़ी खबर है। 15 दिन पहले से ही चल रही थी योजना त्वांग पर चीन पहले से अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। कर रहा था प्लानिंग, भारत ने चीन की साजिश को नाकाम कर दिया। त्वांग पर चीन पहले से ही साजिश कर रहा था, 15 दिन पहले ही प्लानिंग चल रही थी यहां विवाद पैदा करने की। भारत ने चीन की साजिश को नाकाम कर दिया है, तो बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको इस वक्त का। 15 दिन पहले से यह पूरा मंसूबा, पूरी प्लानिंग चल रही थी चीन की, लेकिन भारत ने चीन की साजिश को नाकाम कर दिया। त्वांग पर चीन पहले से प्लानिंग कर रहा था, यह बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको, यह बड़ा खुलासा हुआ है। विस्तारवाद की सनक में चीन ने एक बार फिर हिंदुस्तान के सब्र की परीक्षा लेने की कोशिश की है। चीन ने फिर से घुसपैठ वाली घिनौनी हरकत करने की कोशिश की है, लेकिन इस बार भारतीय सेना की नजर चीन की हरकतों पर पहले से थी और सेना ने चीन को मुंहतोड़ जवाब भी दिया। अरुणाचल के तवांग में चीन की सेना और भारतीय सेना के बीच झड़प हुई है। बताया जा रहा है कि यह झड़प 9 दिसंबर को उस वक्त हुई जब तवांग में LAC पर चीन के सैनिक यांगत्से एरिया की तरफ बढ़े। इस दौरान दोनों ओर से हाथापाई और धक्का मुक्की भी हुई जिसमें दोनों ओर के सैनिकों को चोटें भी आई हैं। झड़प में भारतीय सेना के 6 से 7 जवान जख्मी हुए हैं जबकि चीन के 9 से 10 सैनिक जख्मी हुए हैं। घायल भारतीय जवानों को गुवाहाटी के अस्पताल लाया गया है। सेना के मुताबिक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच फ्लैग मीटिंग भी हुई है। सूत्रों के मुताबिक चीन की तरफ से 300 से ज्यादा सैनिक भारतीय सीमा में तवांग की तरफ बढ़े थे, लेकिन चीन के सैनिकों को भारत की ताकत का अंदाजा नहीं था। भारत की तरफ से चीन को तगड़ा जवाब मिला जिसमें चीन को भारी नुकसान हुआ है। इससे पहले जून 2020 में भारत और चीन की सेनाओं के बीच गलवान घाटी में झड़प हुई थी जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। इस झड़प में चीन के 40 से ज्यादा सैनिक भी मारे गए थे। हालांकि उस झड़प के बाद से ही दोनों ओर से बड़े स्तर पर वार्ता होती रही है और अब तक दोनों ओर से मामला शांत ही रहा था। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए।